बहुत खतरनाक स्पॉट है ये। आजा आजा आजा, मुझे लग रहा है यहीं से लद्दाख जाऊंगा मैं। बहुत मुश्किल, ऊपर से रोड भी खराब। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो जैसे आप सबको पता है, उरी से हम आ गए। उरी की बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह भी है। फिर से हमें जाना है वहाँ पे। जैसे आप सबको पता है, सोनमर्ग रह गया था और सिंधन टॉप रह गया था एंड पीर की गली रह गया था। तो आज हम जाएंगे सोनमर्ग। होप ये सफ़र जो अच्छा रहेगा। अभी मौसम थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। और सोनमर्ग में आज हम स्टे करेंगे या नहीं, वो हम देखेंगे कितने बजे पहुंच जाएंगे वहाँ। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दूर है, यहाँ से 2-3 घंटे लगते हैं। तो अगर ट्रैफिक जैम रहा रास्ते में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ में याद रखिएगा, अभी रमज़ान भी आने वाला है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। इसके बगैर जो है व्लॉग तो पॉसिबल है नहीं। एंड इस पर इतनी धूल लगी थी ना, सुबह से मैं पहले ही साफ़ कर रहा था। तो अभी हम निकलेंगे, लेट्स गो। यस, लेट्स गो। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। देखो जी भाई, अगर ये सिस्टम रहा तो मैं रात के 12 बजे पहुंच जाऊंगा सोनमर्ग। देख लो भाई, ये वाला एरिया मुझे पसंद है बिकॉज ऑफ दिस टनल। अभी समर्स में इसको ग्रीन टनल बनेगी। और आपके सामने डल लेक, अब हम यहाँ से राइट लेंगे और निशात से होके जाएंगे फिर आगे गांधरबल, फिर सोनमर्ग। अभी टाइम आया है 1:44। भाई साहब, लुक एट द व्यू ऑफ डल लेक। लो जी भाई साहब, वेलकम टू गांधरबल। यहाँ से सोनमर्ग 50 किलोमीटर्स है। अभी मैं कंगन से ऊपर रुका, मैंने सोचा कि पहले यार खाना खा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अभी मुझे 1 घंटा लगेगा पूरा सोनमर्ग तक। यहाँ से ना ये वाला जैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ऊपर अभी ठंड होगी, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी ठंड बढ़ेगी और लेट भी होता जा रहा है। सो बेटर इज वेयर दिस जैकेट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने खाना खाया ना, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, एनर्जी आ गई। मुझे बहुत बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। लेट्स मूव। अभी यहाँ तक 1 घंटा लगेगा ना? हाँ, 1 घंटा लगेगा अभी सोनमर्ग तक। सो लेट्स गो। बेहरा बसवाल, शुक्रिया, थैंक यू। चलो भाई, बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह। अब हमारा मुश्किल पड़ाव होगा स्टार्ट। सब ठीक तो है? ओके ओके, कैमरा लगा रहे हैं। सोनमर्ग, ओके, गुड लक। दिस इज कॉल्ड गगनगीर। यहीं से हमें लास्ट टाइम अलोनी किया था और इस जगह से हमें वापस जाना पड़ा था। ओह, इतना बुरा लगा था मुझे उस वक्त। क्या ठंड है भाई, यहाँ से बहुत ठंड है, इतनी बर्फ देख लो भाई दोनों साइड से। ओहो भाई साहब, बिस्मिल्लाह, ऊपर से रोड भी खराब। इन जगहों पे ना खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है, संभल के चलना पड़ता है। अभी 4:26। अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया मैं रात को सोनमर्ग में रुकूं या वापस ही आ जाऊं। क्या मसला है यहाँ पे, बहुत खतरनाक स्पॉट है ये। आजा आजा आजा, चलो जी। इधर ऊपर भी बहुत डेंजरस है भाई साहब। बिस्मिल्लाह, देख लो भाई, बहुत खतरनाक है यहाँ पे यार। सोनमर्ग 4, बालतल 19 एंड गुमरी 27। कहाँ से है रोड भाई, इधर से है या उधर से है रोड? इसका कहाँ से है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। लास्ट टाइम तो एक निकले, मैं तो वन चुका सुन। हाँ, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, तो शुक्रिया, ठीक। असल में सच ठीक, असल में वो वाला रोड इसका है, लेकिन उस पर आज भी बर्फ़ उठाते हैं, देख लो। अभी तक उस पर बर्फ़ नहीं हटाई गई है।
यार बिस्मिल्लाह, मैं तो पहली बार इस रोड से चल रहा हूँ। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सनमर्ग, लुक एट द व्यू। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे कहाँ से जाते हैं, रास्ता कहाँ से है भाई। बिस्मिल्लाह, दिस इज द व्यू ऑफ सनमर्ग। वाह, खूबसूरती देख रहे हो आप लोग। क्या बता रहे, मैं यहीं से लद्दाख जाऊं या नहीं? ऐसे रोड तो मुश्किल से यहां तक खुला है, अब वहां से राउंड करके आ जाएंगे। लेकिन यहां पे इतना अच्छा लग रहा है ना। देख लो भाई साहब, यहां से लेफ्ट अगर हम जाएंगे ना तो लद्दाख का रोड है। कहां से आ रहे हो भाई? और राइट लिया तो सनमर्ग मार्केट, यहाँ से ऊपर तो बंद होगा अभी मुझे लग रहा है। माशाल्लाह, खूबसूरत मस्जिद। ये है जी सनमर्ग का मेन मार्केट, जो कि आज 90% बंद है। अभी टाइम आया है 5 बज गए अभी। ओहो हो, असल में यही वाला रोड सनमर्ग से श्रीनगर जाता है, लेकिन आज ये बंद है। आगे इस पर बर्फ़ हटाई जा रही है अभी, तो हमें वापस जाना है, यू टर्न करना है वहाँ पे, फिर हमें वापस उस रास्ते से जाना है। यहाँ से श्रीनगर 85 किलोमीटर्स है। ओहो हो, बहुत बर्फ़ है भाई यहाँ से। बिस्मिल्लाह, मुझे लग रहा है होटल्स भी मैक्सिमम बंद ही है यहाँ, क्योंकि एंट्री पे इतना सारा बर्फ़ है ना, गेस्ट अंदर जाएगा तो कहाँ से जाएगा। दिस इज़ द मेन मार्केट हेयर, लेकिन मार्केट तो मैक्सिमम बंद ही है आज सनमर्ग का। यहाँ तक आते आते बाइक की हालत क्या हो गई, ये देख लो, बहुत मुश्किल, ऊपर से रोड भी ख़राब। चलो जी आगे की ओर। सब्जी सब्जी है भाई, लेना है। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। ये है खूबसूरती सनमर्ग की, देख लो भाई।